Hello dear students, very good evening all of you. Business organization, the very third lecture. और हम लोगों ने already काफी सारी companies cater कर लिए. कौन सी companies cater कर लिए हमने? Any clue? अडानी. अडानी का क्या नाम है हमारे syllabus में? What's the name of the company? Apsys. And what's the full form of Apsys? अडानी ports and special economic zones. Perfect. Followed by Asian Paints, Axis Bank, Bajaj and Airtel. We have seen the leadership positions. We have seen the management, the year of incorporation, some history, philosophy, portfolio and business and news. That is the overall company overview. Alright, it's time to move on with a new company and that is Bharat Petroleum. Suna hai kya apne ye? कहां देखा आपने भारत पेट्रोलियम? पेट्रोल पंप्स, गैस सिलेंडर्स, राइट? यस सर. लोगो बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं, देखो तो जरा लोगो बहुत ब्यूटीफुल लोगो लग रहा है क्या? मजा आ गया इसको देख के? सॉरी, लेकिन आप देखोगे एक्सिस बैंक या एशियन पेंट्स, बजाज, एयरटेल, अदानी, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन डन फॉर द लोगो. मैं वो नहीं कह रहा, देखो एक्सिस बैंक का भी लोगो सिंपल है लेकिन मजा आ रही है देख के. एम आई राइट? प्राइवेट सेक्टर, समझ रहे हो? गवर्नमेंट सेक्टर, समझ रहे हो? कुछ नहीं है, दूरदर्शन का ही थोड़ा इधर उधर कर दिया है. समझ रहे हो क्या? दूरदर्शन चैनल का लोगो आता था. Of course, it's a government company. आ जाइए. Incorporation year 1952. Ownership group Government of India. Headquarters is in Mumbai. Chairman is Mr. D. Raj Kumar, and the MD and CEO is K. Padmakar ji. MD and CEO. Okay. So guys, MD and CEO, Chairman, and आखिर में हम लोग हमेशा क्या बढ़ते हैं? CFO, Chief Financial Officer. नीलकंठ पिल्लई विजय गोपाल. सो गाइस, अ लॉट टू रिमेंबर, बट गाइस थोड़ा सा अगर ध्यान देके करें, थोड़ा सा समय देके करें, थोड़े से एफर्ट्स दे तो सब कुछ लर्न हो जाएगा. मैं दावे के साथ कहता हूं कि काफी सारे लोग ये सारी चीजें लर्न नहीं करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी सम वन पर्सन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. देयर विल बी वन पर्सन, हो सकता है वो अनुभूति हो सकता है वो मिताली हो सकता है वो तन्वी हो, अनुष्का हो, रौंशी हो, प्रतीक हो. देयर विल डेफिनेटली बी वन पर्सन हु विल लर्न इट ऑल. क्या कहते हो? हम नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, बट कोई ना कोई तो जरूर होगा जो इसे लर्न जरूर करेगा. सो गाइस, लेट्स चेक आउट कंपनी इंट्रो. BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इज एन इंडियन स्टेट कंट्रोल ऑयल एंड गैस कंपनी. ऑफकोर्स इट्स एन ऑयल एंड गैस कंपनी. तो यार इनका गैस कौन सा है? मुझे तो कुछ गैस याद ही नहीं है. सर याद है क्या? भारत गैस, देखा आपने कभी ऐसा? Yes. चलो, द कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स टू लार्ज रिफाइनरीज ऑफ द कंट्री लोकेटेड एट मुंबई एंड कोची. भारत गैस हैज बीन द पायनियर इन मोर देन वेज लाइक वन चर्निंग आउट सेवरल इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक ऑफरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कस्टमर सेंट्रिक? फोकस ऑन द कस्टमर, कस्टमर सेंट्रिक ऑफरिंग. चर्निंग आउट, व्हाट डू यू मीन बाय चर्निंग आउट? बहुत कुछ सोच विचार करके अगर कुछ आप निकाल रहे हो तो इसको कहते हैं चर्निंग आउट. सेवरल इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक ऑफरिंग सच एज एलपीजी सिलेंडर्स एंड मिनी एलपीजी सिलेंडर्स. मिनी एलपीजी 2 किलो तक, ये जो होता है ना, ये वाले, ये हमारे घर पे जनरली यूज होते हैं, राइट? 5 kg भी इन्होंने लेके आए और 2 kg का भी इन्होंने गैस सिलेंडर लेके आए. सो दैट्स वाई कस्टमर सेंट्रिक ऑफरिंग लाइक एलपीजी सिलेंडर एंड मिनी एलपीजी सिलेंडर्स. दीज 24/7 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय भारत पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल सर्विसेज. व्हाट डू मीन बाय एविएशन? भारत पेट्रोलियम एविएशन यानी एयरलाइंस को भी फ्यूल प्रोवाइड करता है. प्लेन्स किस पे चलेंगे? सर हवा पे. नहीं रे, समझ रहे हो, उसको भी फ्यूल लगता है. सुपर पेट्रोल कहते हैं उसको.
24/7 services provided by Bharat Petroleum Aviation Fuel Services makes it the preferred supplier for all major domestic and international airlines in India. 40% of the international volume in India are fueled by BPCL plane services. Their presence in the defense sector is equally strong. ये इंडिया के डिफेंस के लिए भी पेट्रोल वगैरह लगेगा क्या? Yes, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है. So the presence in defense sector is equally strong. Bharat Petroleum is the only oil company in India to have equity stake in first greenfield airport at Cochin International Airport Limited. Greenfield airport. अब ये greenfield क्या होता है? तुमको दिमाग लगाना है, सीधा सीधा मैं बता दूं? बोलो, बता दो आप. कुछ projects ऐसे होते हैं कि थोड़े बहुत बने होते हैं और उसको हम लोग थोड़ा और बेटर बनाते हैं. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि उस साइट पे पहले कभी कुछ भी नहीं रहता, हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज द वन नॉट कंस्ट्रेंड बाय द प्रायर वर्क. पहला का कोई काम वहां नहीं होता. इट इज कंस्ट्रक्टिंग ऑन अनयूज लैंड वेयर देयर इज नो नीड टू रिमॉडल और डिमोलिशन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ना, क्या उस पे पहले किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, टोटली अनयूज लैंड पे अगर काम होता है तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इक्विटी स्टेक किसका था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो भारत पेट्रोलियम का ही था. ओनली ऑयल कंपनी टू हैव स्टेक इन एन एयरपोर्ट. देन company history. BPCL was incorporated in 1952 as a private limited company with the name Burma Shell Refineries Limited. Burma ya Burma bhi aap keh sakte hain. The company began its work on marshland of Trombay at Bombay. Marshland mein kya, what do you mean by the word marshland? Ekdam word sun ke aisa lagta hai oh ho kya hoga. Any clue? Marshland? No one? अरे जिसमें बहुत ज्यादा कीचड़ होता है ना उसको कहते हैं मार्शलैंड. तुम भी बहुत सोच रहे थे. द रिफाइनरी ऑफ 454 एकर्स ऑफ लैंड एट विलेज माहुल वेंट ऑन स्ट्रीम ऑन 30 जून 1955, वन ईयर अहेड ऑफ द स्केड्यूल. गवर्नमेंट का काम है और वो कह रहे एक साल पहले ही रिफाइनरी बन के रेडी थी. होता है क्या इंडिया में ऐसे एक साल पहले कोई गवर्नमेंट का काम हो जाए? इन जनवरी 1976 बर्मा शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म भारत रिफाइनरीज लिमिटेड. इन ऑगस्ट 77 द कंपनी वॉज रिनेम्ड एज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. द कंपनी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रिफाइनरी टू प्रोसेस न्यूली फाउंड इंडिजिनियस क्रूड बॉम्बे हाई इन द कंट्री. तो यह पहली कंपनी थी जिसने इंडिया के अंदर इंडिजिनियस ने विद इन द कंट्री पहली रिफाइनरी बनाई, पहली रिफाइनरी इंडिया में. तब तक हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे? तब तक इसके पहले हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे? दूसरी कंट्रीज की रिफाइनरी पे. इंडिया के पास कुछ नहीं था. बट 1970s 1980s के बाद धीरे धीरे चीजें बदली और 1990s के बाद तो चीजें एकदम ही बदल गई. करेक्ट. फिलोसॉफी क्या है? टू बी अ मॉडल कॉर्पोरेट एंटिटी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटेड टू एनर्जाइजिंग लाइव्स थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये ना आपको गवर्नमेंट कंपनी में ना ये बहुत पढ़ने मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमें थोड़े फ्यूचर की भी सोच के, फ्यूचर का सोच के आज कोई काम करना, राइट? जैसे आप अपनी 18-19 साल की उम्र में पूरे एनर्जी मस्ती में भी डाल सकते हो, राइट? लेकिन आप खुद को कंट्रोल करते हो. क्यों कंट्रोल करते हो खुद को? सर वो मुझे लॉन्ग टर्म जीना है, मुझे पढ़ाई भी करनी, मस्ती भी मैं करूंगा लेकिन एक लिमिट में, राइट? तो कहीं कंपनी अगर सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर देगी तो फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं. थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड स्टिल वर्किंग आउट थिंग्स इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हर कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोटर्स पे, इलेक्ट्रिक कार्स पे स्विच कर रही है. महसूस किया आपने? Yes, sir. It is one major step towards sustainable development. Moving ahead, mission is to create a positive impact in all the communities that we operate. Okay, aur inhone kya kya kiya hai? To transform 150 villages from water scarce to
टू वाटर पॉजिटिव, इन्हें 150 गांव को ये लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, वाटर स्केयर्स टू वाटर पॉजिटिव, टू एनेबल एजुकेशन टू मोर देन 10 लाख चिल्ड्रन, वाओ, टू क्रिएट अ रिसोर्स ऑफ एक्सपर्ट पैनल ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू अवर थ्रस्ट एरियाज, इन्हें जो भी ठीक है, इन्हें हम लोग एक्सपर्ट्स की टीम बनाना चाहते हैं जहां पर हमें ध्यान देना है थ्रस्ट एरियाज, इन्हें ध्यान देना। आपके लाइफ में सबसे ज्यादा थ्रस्ट एरिया वाला टॉपिक कौन सा है आज बताओ, बताओ, करेक्ट, सीए फाउंडेशन इज योर ओनली थ्रस्ट एरिया, घर वालों के ट्रिप के प्लान्स, इसका एक बार सीए फाउंडेशन हो जाए फिर ये करेंगे, करेक्ट, किसी के दीदी की शादी, इसका एक बार सीए फाउंडेशन हो जाए तो फिर करेंगे, करेक्ट, हर चीज हमारा कॉन्सेंट्रेशन है तो थ्रस्ट एरिया कहते हैं उसको, तो बीपीसीएल का जो भी थ्रस्ट एरिया रहेगा उसके लिए एक्सपर्ट पैनल्स बनाएंगे, एंड टू एनकरेज एम्प्लॉयज वॉलंटियरिंग थ्रू आर कॉर्पोरेट कल्चर एंड हैव अ मिनिमम ऑफ 10% एम्प्लॉयज वॉलंटियरिंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, हमारे पास बहुत एम्प्लॉयज हैं उसमें से 10% लोग हम चाहते हैं कि हमारे ये सब काम में हमारे हमारे वॉलंटियर्स बने, जैसे मैं, हमारी एग्जाम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लेंगे, तो मैं आपकी हेल्प ले सकता हूं ट्री प्लांटेशन में, क्या कहते हो, है ना, सभी आएंगे, वैसे ही अपने एम्प्लॉयज की हेल्प लेना चाहते हैं। साक्षरता मिशन, कल जाके जब तुम लोग सीए वगैरह बन जाओगे और अगर मैं आपको कहूंगा कि यार एक ऑर्फनेज है वहां पे बच्चों को ओरिएंट करना है पढ़ाई करने के लिए, तो आप आओगे कि नहीं आओगे, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द कंपनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 7 SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं इसको, लाइक रिटेल लुब्रिकेंट्स यानी आपके ओके, रिटेल यानी आपको जो पेट्रोल वेट्रोल मिलता है, 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, मिल सकता है 1 लीटर पेट्रोल, यस सर, 20 रुपए का पेट्रोल मिल सकता है, रिटेल उसको कहते हैं चिल्लर बिक्री, रिटेल लुब्रिकेंट्स यानी क्या, ग्रीस या ऑयल, कुछ कुछ बाइक्स में ऑयल, आपको पता ना गाड़ियों में ऑयल भी डालना पड़ता है पेट्रोल के अलावा, लुब्रिकेंट्स, एविएशन यानी क्या, व्हाट डू मीन बाय एविएशन, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, देन रिफाइनरी गैस INC एंड LPG, दे आर पॉपुलर लॉयल्टी प्रोग्राम लाइक पेट्रो कार्ड एंड स्मार्ट फ्लीट, यानी आपको पेट्रो कार्ड या स्मार्ट फ्लीट का ऐसा अगर आपने कार्ड ले लिया तो आपको थोड़ा डिस्काउंट या कैशबैक वगैरह मिल जाता है, ये भी उन्होंने बनाया। भारत पेट्रोलियम ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग रिफाइनरीज, कौन सी रिफाइनरीज, मुंबई, कोची, बीना एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी, कहां कहां है देखना चाहेंगे ऑन द मैप, वुड यू लाइक टू सी, यस सो अगर आपको पता है कौन सा कंट्री का मैप है, इंडिया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बीना ठीक है, और क्या बोला था, नुमालीगढ़ नॉर्थ ईस्ट, कोची एंड मुंबई रिफाइनरीज, या कौन सी रिफाइनरी का कितना कैपेसिटी है वो भी दिया है, वो भी देख लेते हैं, मुंबई रिफाइनरी लोकेटेड नियर मुंबई, वेरी नाइस, हैज अ कैपेसिटी ऑफ कितना मिलियन मेट्रिक टन्स, 13 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर, इतना ज्यादा ऑयल रिफाइन कर सकते हो एक साल में, इतनी कैपेसिटी का प्लांट है। कोची लोकेटेड नियर कोची केरला, इट हैज कैपेसिटी ऑफ 9.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर। बीना लोकेटेड नियर सागर, सागर कौन से स्टेट में आता है, मध्य प्रदेश बीच में है मध्य प्रदेश, ठीक है मध्य प्रदेश, इट हैज कैपेसिटी ऑफ 6 MMT पर ईयर। दिस रिफाइनरी इज ऑपरेटेड बाय भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, अ जेवी बिटवीन बीपी एंड ओमान ऑयल कंपनी, तो जो बीना रिफाइनरी है हमारा ज्वाइंट वेंचर में, हम अकेले मालिक नहीं है इसके। नुमालीगढ़ लोकेटेड नियर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम नॉर्थ ईस्ट में, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3 MMT पर ईयर। सो गाइस विद मैप मैंने आपको दिखा दिया, आपको एक MCQ पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफाइनरी ऑफ BPCL, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिजनेस इन न्यूज, BPCL रैंक 792nd ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। ओ क्या कल के कंपैरिजन में थोड़ी रैंकिंग बेटर है आज, देखो तो कल हमने काफी रैंकिंग्स देखी थी 1000 के ऊपर, राइट, यस सर। BPCL रिसीव्स स्पेशल अवार्ड फ्रॉम श्री धर्मेंद्र प्रधान
Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel for the contribution to facilitate bulk LPG tank trucks ownership by SC and ST entrepreneurs. यानी SC ST entrepreneurs जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो entrepreneurship करना चाहते हैं, उनको bulk LPG tank trucks की ownership facilitate किया, help करी लोगों की. Then BPCL received the prestigious Star PSU award. What is PSU? करेक्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. भारत पेट्रोलियम एक गवर्नमेंट कंपनी है, इस PSU है. देन स्टार PSU अवार्ड बाय बिजनेस स्टैंडर्ड एट द एनुअल अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सेलेंस ऑन 31st मार्च 2018. BPCL वॉज अवार्डेड ऑन 25th अक्टूबर 2018 विथ गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2018 फॉर एक्सेलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ग्लिटरिंग इवेंट इन लंडन. ठीक है, गाइस कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर एक्सेलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गोल्डन पिकॉक अवार्ड बहुत सारी और कंपनीज को भी मिला हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखना. इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा जब हम अगली कंपनीज पढ़ेंगे. अब मूविंग अहेड, एक इंफॉर्मेशन बबल है. जैसे ये कंपनीज होती है ना, गवर्नमेंट कंपनीज, इनको स्टेटस दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग दे आर. महारत्न और नवरत्न, इससे रिलेटेड कुछ है. आ जाओ, डू यू नो दैट ह्यूज कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट आर टैग्ड एज नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न. तीन दर्जे दिए, नवरत्न, महारत्न और कौन सा, मिनी रत्न. तो मिनी रत्न हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत नवरत्न और महारत्न के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो कंपनीज है इधर दे आर महारत्न और नवरत्न. बेस्ड ऑन द रेवेन्यू एंड साइजेस ऑपरेशन एज ऑफ अक्टूबर 2021, कितने महारत्न है इंडिया में? 10 महारत्नास एंड 14 नवरत्न कंपनीज इंडिया में. आपके एग्जाम के लिए पूछेंगे वो, एज ऑफ 21st अक्टूबर 2021 हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया? द आंसर इज 10 एंड नवरत्न 14. तो गाइस जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 10 और 14 दोनों ऑप्शन जरूर देंगे आपको. तो गाइस इसको हाईलाइट करें अपने नोट्स में और इसका स्टिकी नोट बना ले. ये एग्जाम में आपके जरूर, आपको एग्जाम में ये मई 2022 या नवंबर 2022 में जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन. वी आर अबाउट टू डिस्कस भारत पेट्रोलियम बिलो विच इज अ महारत्न कंपनी. हमने जो बीपी पढ़ी है, भारत पेट्रोलियम वो किस टाइप, किस लेवल की कंपनी है? महारत्न कंपनी. ऑल गवर्नमेंट कंपनीज दैट वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर आर इधर महारत्न और नवरत्न. इन द बिगिनिंग वी टॉक्ड अबाउट निफ्टी 50. ऑल दिस कंपनीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ निफ्टी 50. निफ्टी 50 पढ़े हमने. Further, as already mentioned, to learn about Maharatnas and Navratnas, you must be curious enough to go and search about them. So, guys, अगर आपको interest है, तो बिल्कुल आप Navratn और Maharatn के बारे में पढ़ें. So, guys, that's that. हमें ध्यान में रखना है कि भारत पेट्रोलियम का level क्या है? महारत्न कंपनी. So, that was all about the company overview of भारत पेट्रोलियम. Moving ahead with Cipla. Have you ever heard about Cipla? Yes. What does Cipla do? अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, करेक्ट. ये नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है? Cipla पुरानी कंपनी है. आयुषा, Cipla केयरिंग फॉर लाइफ. Cipla की कौन सी मेडिसिन आप कंज्यूम करते हो भाई? एनी क्लू? नो. Let's move on. Cipla Incorporation 1935. It's an old company. अच्छा, Cipla को कोई फिल्म है? The Chemical Industrial and Pharmaceutical Laboratories. Chemical C, Industrial I, Pharmaceutical P, Laboratories LA. Cipla यहां से आया वो. Headquarters Mumbai. Chairman Mr. Y K Hamid. Y K Hamid is the chairman. Present head MD and CEO Mr. Umang Vora, CFO Mr. Kedar Upadhyay. Cipla company introduction and who is the corporate and what it does. Cipla is a leading medicine manufacturer in India. The company has about 1500 pharmaceutical products in more than 60 therapeutic categories. Some are sold domestically while the rest reach international markets in more than 150 countries. It offers prescription drugs for all kind of ailments, arthritis,
cancer, depression, as well as over-the-counter drugs for cold, oral hygiene and skin care. What do you mean by over-the-counter drugs? Over-the-counter यानी क्या होता है? आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिसिन मिल जाएगी, उसको कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स. कुछ मेडिसिन जैसे नींद की गोली, बिना डॉक्टर के पर्ची के देता है क्या कोई मेडिसिन वाला भैया? नहीं. ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर कोल्ड, ओरल हाइजीन एंड स्किन केयर. सिप्ला लीड्स द डोमेस्टिक रिटेल फार्मास्यूटिकल मार्केट. द कंपनी ऑल्सो मेक बल्क ड्रग्स, एग्रोकेमिकल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट. सो मेडिसिन के इनके बहुत सारे सोर्सेस है. और इनके पास कितनी कितनी मेडिसिन है? 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और जो 60 अलग अलग टाइप की थेरेपीज में काम आती है. सिप्ला को किसने ढूंढा? कंपनी हिस्ट्री. सिप्ला वॉज फाउंडेड बाय फाउंडेड एज केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैब बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद इन 1935. द नेम ऑफ द कंपनी वॉज चेंज टू सिप्ला लिमिटेड ऑन 20th July 1984, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो जाता था वो. इन द ईयर 1985 यूएस एफडीए, व्हाट इज एफडीए? एफडीआई है ना वो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. साइली कस हो रहा सर? एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का है वो. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड कंपनीज बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. दैट वाज द हिस्ट्री. एफडीए का फुल फॉर्म लिख लो. सो इन 1985 यूएस एफडीए ने काफी सारी इनकी ब्लड ड्रग बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अप्रूव किया है. यूएस का एफडीए बहुत खतरनाक है, यानी हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी हार्म हो जाए इंसान को तो वो ड्रग बैन कर देता है. तो सिप्ला इज डूइंग प्रोमिनेंटली वेल, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से. फिलोसॉफी क्या है? सिप्ला हैज डेवलप्ड गुड पॉजिटिव इमेज बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू कैंसर पेशेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रग्स एट अ लो कॉस्ट. इस कैंसर सुनते हैं हमें दिमाग में तो ये आता है कि बहुत खर्चा हो जाएगा और जिंदा ही नहीं बचेगा, राइट? और अगर बचता भी है तो हम इतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? सिप्ला ने क्या किया है? इंट्रोड्यूसिंग ड्रग्स एट अ लो कॉस्ट. और इनका स्लोगन क्या है? केयरिंग फॉर लाइफ. विजन क्या है इनका? टू बी द फर्स्ट ग्लोबल बायोटेक कंपनी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ड्रग्स और प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. गाइस अच्छी सोच है बुरी बताओ? हम सबको ड्रग्स देना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड टू एनेबल एक्सेस फॉर मिलियंस ऑफ पेशेंट वर्ल्ड वाइड बाय ईयर 2025. यू नो ये विजन है, मैंने आपको हमेशा कहा है विजन इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर. तो 2025 तक हम लोग मिलियंस ऑफ पेशेंट को दवाइयां, मेडिसिन, प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहते हैं. मिशन, सिप्लास मिशन इज टू बी द लीडिंग ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी हु यूजेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू मीट एवरीडे नीड्स ऑफ ऑल द पेशेंट. ग्लोबल लीड करना चाहता है ग्लोबल हेल्थ केयर में. पोर्टफोलियो, सिप्ला सेल्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स टू अदर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज. एक मिनट, क्या लिखा है ये पढ़ो फिर से. क्या लिखा है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. ये क्या है रे? क्रोसिन. क्रोसिन में, हर क्रोसिन में, अच्छा क्या क्रोसिन इकलौती मेडिसिन है जिससे बुखार कम होता है? No. क्या कोई और भी मेडिसिन है जो आपको पता है जिससे बुखार कम होता है? पैरासिटामोल. गाइस बुखार कम करने का मेजर मेडिसिन है पैरासिटामोल, राइट? अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग क्वांटिटी में पैरासिटामोल होता है, लेकिन होता जरूर है, राइट? Yes, तो हर बुखार फीवर कम करने वाली मेडिसिन में पैरासिटामोल एक्ट्स एज द एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. समझा? एपीआई क्या होता है? एपीआई का मतलब समझा? तो सिप्ला एपीआई बनाती है. सिप्ला सेल्स ऐसे पैरासिटामोल जैसे और भी कुछ होंगे, हमको तो डॉक्टर नहीं करनी, हमें बहुत ज्यादा होंगे, तो वो एपीआई बनाती है एंड इट प्रोवाइड्स दोस एपीआईस टू अदर फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एसिटालोप्राम एंटी डिप्रेसेंट, लैमिवुडीन एंड फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. सिप्ला करंटली मैन्युफैक्चर्स मोर देन कितना 200 जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एपीआई.
कितने इनके पास एपीआई, कितने 200 एपीआई, यानी पैरासिटामोल जैसे और भी मेडिसिन में यूज होने वाले एपीआई इनके पास 200 है। सो इज इट अ गुड कंपनी? वेरी गुड। सिप्ला की रैंकिंग देख लेते हैं। सिप्ला रैंक 460th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट। सो गाइस, लार्जेस्ट कंपनीज का तो रैंकिंग उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट में क्या रैंकिंग है? 460th। मेडिटैप स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी अक्वायर्ड 75% स्टेक इन मैफ्रम प्राइवेट लिमिटेड। सिप्ला हैज अक्वायर्ड इन अक्टूबर 2019 नोवेल एंड पेटेंटेड एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट्स लॉरस एंड वीनस रेमेडीज लिमिटेड फ्रॉम वीनस रेमेडीज लिमिटेड फ्रॉम द इंडियन मार्केट टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन द ब्रांडेड इंडियन क्रिटिकल केयर स्पेस एंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा टू कंट्रीब्यूट टू फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। गाइस ऑनेस्टली मैं आपको ये समझा सकता हूं, लेकिन समझा के क्या करेंगे, राइट? हमें डॉक्टर नहीं बनना, एम आई राइट? द 82-year-old चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला, द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन यूसुफ हमीद has been made an honorary fellow of prestigious body comprising of many of the world's most eminent scientists in 2019 list of few fellows of the UK's Royal Society. So jo Mr. hamare Mr. Yusuf Hamid hai, he has been made the fellow of UK's Royal Society. To ye ek you know prestige wali baat hai, एंड दैट इज हाउ इट इज। इसका मतलब इन्होंने कुछ किया होगा लोगों के लिए, तभी आपको ये प्रेस्टीजियस सोसाइटी का पार्ट बनाया गया। सिप्ला, व्हाट इज द टैगलाइन स्लोगन? केयरिंग फॉर लाइफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, नहीं पूछेंगे, ठीक है? मूविंग अहेड, आफ्टर सिप्ला कहा नजर आ रहा है, ये कहा है? ये कोयला, ठीक है? चलो देखते हैं कोयला, सॉरी कोल इंडिया लिमिटेड, इनकॉर्पोरेशन इन 1975, ओनरशिप लोगो देख लो, लोगो मजेदार है, क्या कहते हो? लोगो देखो, एकदम जबरदस्त है, क्या कहते हो? जीरो क्रिएटिविटी रे, जीरो क्रिएटिविटी, थोड़ा तो मेहनत कर लेते, कोई बात नहीं। सो 1975 ओनरशिप ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स कोलकाता। कोलकाता इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल, झारखंड है ना, यहां बिहार, यहां पे प्रोमिनेंटली कोयला होता है, तो उन्होंने हेडक्वार्टर्स कोलकाता में ही बनाया। एंड प्रेजेंट हेड सीएमडी एंड चेयरमैन मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, मिस्टर प्रमोद अग्रवाल वो इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईएएस है, वो प्रेजेंट हेड और चेयरमैन है कोल इंडिया लिमिटेड के। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर संजीव सोनी। सो कंपनी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीआईएल इज एन इंडियन स्टेट कंट्रोल कोल माइनिंग कंपनी, इंडियन स्टेट कंट्रोल कोल माइनिंग कंपनी, इट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड। कोल इंडिया लिमिटेड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 84% ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स इट एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इन अप्रैल 11 सीआईएल वॉज कन्फर्ड कौन सा स्टेटस? सीआईएल वॉज कन्फर्ड कौन सा स्टेटस बोलो? सीआईएल इज अ महारत्न कंपनी। एनीवन हू कैन टेल मी, इसके पहले कोई महारत्न कंपनी पड़ी हमने? कौन सी? भारत पेट्रोल। तो महारत्न कंपनी की लिस्ट तुम बनाना शुरू कर दो स्टिकी नोट में। महारत्न कंपनी बीपीसीएल, दूसरी कोल इंडिया लिमिटेड, करेक्ट? यस। चालू कर दो ये, साथ मेरे साथ ही पढ़ो, तुम लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाओ तुम इस चैप्टर के, जो भी तुमको इंपॉर्टेंट लगता है लिखते जाओ, उतना ही पढ़ेंगे, फिर लास्ट मोमेंट पे पूरा चैप्टर थोड़ी ना पढ़ते बैठेंगे एग्जाम के एक दिन पहले। सो सीआईएल वॉज कंसर्ड एज अ महारत्न स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इट इज ऑपरेटिंग थ्रू कितना? 82 माइनिंग एरिया। सीआईएल मैनेजेस 22 अदर एस्टैब्लिशमेंट लाइक वर्कशॉप, हॉस्पिटल एटसेट्रा। फर्दर इट ऑल्सो ओन्स 26 टेक्निकल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड 102 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इट कमांड्स नियरली 74% ऑफ द इंडियन कोल मार्केट। दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इंडिया में कितना मार्केट शेयर है? 74%। भाई 74% में लीडर हो गया, ये क्या कहते हो? दूसरा एकदम, दूसरे कोई है ही नहीं आगे पीछे। नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनी, हिस्ट्री देखते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री
In India, in the early 70s, was the fallout of two related events. In the first instance, it was the oil price shock which led the country to take up close security or scrutiny of its energy option. यानी अरब कंट्रीज ने क्या किया था 1970s में, नहीं देंगे तुमको तेल, समझ रहे हो क्या, मना कर दिया था हमने हमको ऑयल देने से. अब ऑयल देने से मना कर दिया तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस का क्या होगा, बढ़ जाएगी, ठीक है. सो विच लेट द कंट्री टू टेक अप क्लोज स्क्रूटनी ऑफ इट्स एनर्जी ऑप्शन. तब कई झटका मिले बगैर हम पढ़ाई नहीं करते हैं, एम आई राइट? कितने लोगों ने बचपन में रिजल्ट आने वाले दिन ही पढ़ाई चालू कर देते, बचपन में जिस दिन रिजल्ट आया पढ़ाई पे बैठ जाते थे, स्कूल से आते थे मॉम डैड के साथ और उसी दिन पढ़ने बैठ जाते थे. कितने लोगों ने किया ये, चुपचाप पढ़ने बैठ जाते थे, बोलना भी नहीं पड़ता था अगर बर्बाद हुए तो, शौक लगा तो बैठते हम लोग, करेक्ट? सो गाइस, इंडिया को ऑयल शॉक लगा तो देखा कि भाई इन्होंने नहीं दिया तो अपने पास क्या है, तो फिर फ्यूल पॉलिसी कमेटी बनाई गई. फ्यूल पॉलिसी कमेटी सेटअप फॉर दिस पर्पस आइडेंटिफाइड कोल एट इट्स एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी. सेकेंडली, द मच नीडेड इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर वॉज नॉट फोर्थकमिंग विथ कोल माइनिंग लार्जली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सो इसको पैसों की जरूरत थी और प्राइवेट सेक्टर कितना पैसा लगाएगा यार, समझ रहे हो? प्राइवेट सेक्टर की एक लिमिटेशन होगी पैसे लगाने की, क्या कहते हो? और गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होता है तो इसलिए इसको नेशनलाइज किया गया. विजन क्या था? टू इमर्ज एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द प्राइमरी एनर्जी सेक्टर कमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू द कंट्री बाय अटेनिंग एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल ग्रोथ. मैंने बोला था ना आपको कि जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी आएगी ये सस्टेनेबिलिटी की बात करना शुरू कर देता है, करेक्ट? थ्रू माइन थ्रू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू द कंट्री बाय अटेनिंग एनवायरमेंटल एंड सोशली सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम माइन टू मार्केट. यानी माइन से कोयला, माइन से मार्केट तक पहुंचने तक, कोयला माइन से मार्केट तक पहुंचने तक कुछ भी धोखेबाजी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए. ओके, सो गाइस दैट्स दैट मिशन टू प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्लांड क्वांटिटी ऑफ कोल एंड कोल प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली इन एन इको फ्रेंडली मैनर विद ड्यू रिगार्ड्स टू सेफ्टी कंजर्वेशन एंड क्वालिटी. सो गाइस दैट्स द मिशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करना और प्लांड क्वांटिटी ऑफ कोल प्रोड्यूस करना. ज्यादा बना देंगे तो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो क्या नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं तो हम लोग क्या सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहे हैं? जी नहीं. सो गाइस ये फिलोसॉफी आपको हर गवर्नमेंट कंपनी में मिल जाएगी. सो गाइस दैट वाज द मिशन, मिशन और विजन में सस्टेनेबल ग्रोथ आपको और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की सेफ्टी की बात हमेशा दिखेगी गवर्नमेंट कंपनीज में स्पेसिफिकली. पोर्टफोलियो कोल इंडिया लिमिटेड की कौन से बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, वो बेसिकली कंपनीज के नाम दिए उन्होंने, देखते हैं. कोल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूसेस कोल थ्रू इट्स 7 होली ओन सब्सिडरीज. ओ व्हाट डू यू मीन बाय होली ओन सब्सिडरीज, एनी क्लू? होली ओन सब्सिडरीज यानी क्या होता है? 100% ओनरशिप, करेक्ट? अगर ठीक है, होली ओन सब्सिडरी एज द नेम सजेस्ट इज सब्सिडरी और सब पार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेन कंपनी which is entirely owned by the parent company, thus wholly owned. इसमें parent company का 100% ownership होती है, 100% shares, समझ रहे हो? कितना percent? 100%. तो इन सब में, इन सब में 100% ownership है किसकी? Coal India Limited की. That's why Coal India Limited is the parent company and these are subsidiaries. क्योंकि 100% shareholding है, wholly owned subsidiaries. अगर 100% से कम होगा तो सिर्फ subsidiary बोलेंगे, समझ रहे हो? लेकिन 100% है तो wholly owned. तो कौन सी है? Eastern Coal Fields Limited, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड. WCL सुना ही होगा तुमने, WCL सुने? Yes. है ना, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनसीएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड. तो ये जो है, ये है इनके सेवन होली ओन सब्सिडरीज.
अगर हम लोग देखें ऑन द मैप ओके सो इट स्टार्ट्स विथ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो सेंट्रल जो थोड़ा सेंट्रल इंडिया में बट फिर भी वेस्टर्न कहते हैं इसको देन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड गाइस कोल का मेजर यही होता था यानी मैं आपको बता रहा हूं वैसे पूरा अगर आपने देखी होगी तो उसमें कोल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है एंड नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तो ये सारे थे जहां पे इनकी होली ऑन सब्सिडरी एंटायर इंडिया में इन इट्स एट होली ऑन सब्सिडरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड सो गाइस जो आठवां है वो कोई कोलफील्ड नहीं है जो एट होली ऑन सब्सिडरी है वो कोलफील्ड है क्या जी नहीं कोलफील्ड कहां है कहां खुदाई करनी है ये भी तो पता होना चाहिए क्या कहते हो सो ये प्लानिंग डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड प्रोवाइड्स एक्सप्लोरेशन प्लानिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ऑल द सेवन प्रोडक्शन सब्सिडरीज सो गाइस ये सारे सातों को प्लानिंग कौन देता है प्लानिंग और डिजाइन कौन देता है दिस एथ वन सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन आ सकता है ध्यान से होली ऑन सब्सिडरी इन्होंने इंफॉर्मेशन बबल दी है वी न्यू दिस ज्वाइंट वेंचर्स भी है दो ज्वाइंट वेंचर्स हैं कोल इंडिया लिमिटेड के कौन से इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ICVPL was formed in 2009 for acquisition of coking coal properties outside India. CIL holds कितना share hold करता है to seventh share in the paid up capital of ICVPL. तो काफी you know कम share holding है but it's okay. उसके बाद CIL NTPC ऊर्जा NTPC सुना है तुमने? Yes. Thermal power station ऐसा सुना है कि तुमने thermal power station? Yes. थर्मल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाता है हीट से बनाता है हीट से थर्मल है ना और हीट से बनाने के लिए आपको लगेगा कोल इसलिए एनटीपीसी जो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है वो एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड का 50-50 जीवी है सो एनटीपीसी एंड सीएल ऊर्जा सीएल एंड एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड इज अ 50-50 जेवी बिटवीन सीएल एंड एनटीपीसी फॉर्मड इन अप्रैल 2010 फॉर एक्विजिशन ऑफ कोल ब्लॉक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड बिजनेस इन न्यूज देख लेते हैं कोल इंडिया रैंक 770th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 2021 सीएल हैज बीन अवार्डेड क्या सीएसआर विनर व्हाट इज सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विनर Award for Rural Development and Infrastructure at the 6th CSR Impact Awards 2019. CIL was recognized for Integrated Rural Development done in Purulia, एक गांव है जहां पे इन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया रूरल डेवलपमेंट किया है और उसके लिए इनको CSR अवार्ड मिला CIL exchanged MOUs. MOU यानी क्या होते हैं Memorandum of Understanding. MOU यानी Memorandum of Understanding with the Russians, Mr. Leonid Janadevich Putekov, DG, Director General of the Far East Agency for Attracting Investment and Supporting Export and Far Eastern Mining Company, FEMC, of Russian Federation in September 2019. So that was all about Coal India Limited. Coal India Limited ka status kya hai? As a government company status kya hai? Kis type ki company hai? Maharatna Company. That was all about Coal India Limited. Moving ahead. Dr. Reddy. ये लो डॉक्टर है ना डॉक्टर रेड्डी क्या कहते हो डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर है ना यार सो डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर है नहीं ये नहीं पता लेकिन डॉक्टर रेड्डीज की क्या आती है मेडिसिन परफेक्ट सो इनकॉर्पोरेशन इन 1984 हेडक्वार्टर्स हैदराबाद चेयरमैन कल्लम सतीश रेड्डी द चेयरमैन इज कल्लम सतीश रेड्डी प्रेजेंट हेड सीईओ एयरवेज इजराइली सीएफओ पराग अग्रवाल ओके सो गाइस कल्लम सतीश रेड्डी इज द चेयरपर्सन लेट्स चेक आउट द इंट्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैब इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज द कंपनी हैज ओवर 190 मेडिकेशंस 60 APIs आई होप आपको API समझने में अब दिक्कत नहीं हो रही है बोलो भूल गए क्या API बेस्ट बेस्ट API जो हम सबको बताए वो कौन सी है बताओ
Paracetamol. Perfect. So, 60 APIs for drug manufacture, diagnostic kits, critical care, biotech products. It strengthened its Indian manufacturing operations by acquiring American Remedies Limited in 1999. एक अमेरिकन कंपनी को अक्वायर कर लिया, समझ रहे हो क्या? ताकत देख रहे हो हमारी धीरे धीरे? अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड को अक्वायर कर लिया. दिस एक्विजिशन मेड रेडीज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर एंडेक्स एंड ग्लैक्सो विद फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूडेड बल्क ड्रग्स इंटरमीडिएट्स फिनिश डोजेजेस केमिकल सिंथेसिस डायग्नोस्टिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो गाइस इन सारी चीजों में इनका बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है. इट्स अ बिग कंपनी. डॉक्टर रेड्डीज सो बहुत सारी चीजें. उसके बाद फिलोसॉफी हम लोग देख लेते हैं. ब्रिंगिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन विद इन द रीच. सबकी फिलोसॉफी यही है कि सस्ती से सस्ती मेडिसिन दी जाए. एड्रेसिंग अनमेट पेशेंट नीड्स हेल्पिंग पेशेंट्स मैनेज डिसीज बेटर. कैसे होता है ना, मेडिसिन तो ले लेते लोग लेकिन साइड इफेक्ट्स हो जाता है ना, राइट? तो यानी जैसे कोविड में बहुत लोगों को बहुत सारी मेडिसिन तो दी गई लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत हुए उसके. तो यू नो साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, डिसीज बेटर तरीके से मैनेज हो जाए. देन एनेबलिंग एंड हेल्पिंग अ पेशेंट इंश्योर अ मेडिकेशन आर अवेलेबल मेडिसिन आर अवेलेबल व्हेनेवर नीडेड एंड वर्किंग विद पेशेंट्स टू हेल्प देम सक्सीड. तो ये उनकी फिलोसफी है, ये सोच है. क्या कहते हैं डॉक्टर रेड्डीज की मेडिसिन, मुझे नहीं पता आपने यूज की नहीं, सस्ती होती है महंगी होती है? ट्राई करके देख लेना, थोड़ा रिसर्च कर लेना. जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्ट्स टैबलेट कैप्सूल्स इंजेक्टेबल्स एंड टॉपिकल क्रीम्स. टैबलेट्स पता है तुमको, टैबलेट और कैप्सूल तो समझते होंगे. इंजेक्टेबल यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्टेबल? इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शंस. और टॉपिकल क्रीम्स इन्हें ऊपर से लगाने वाली, अंदर नहीं, ठीक है? तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनके ब्रांड? ओमेज, नाइस, क्यूटरॉल, स्टैम्बलो एंड राजो. ये सारे उनके ब्रांड्स हैं जो डॉक्टर रेड्डीज के प्रोडक्ट्स हैं. दूसरे ओवर द काउंटर, व्हाट डू मीन बाय ओवर द काउंटर? करेक्ट. मेडिसिन ऑन पेन मैनेजमेंट. डर्मेटोलॉजी, व्हाट डू मीन बाय डर्मेटोलॉजी? स्किन से रिलेटेड. हाँ, एलर्जी मैनेजमेंट एंड गायनोकोलॉजी. गायनोको लेडीज के जो भी मेडिसिन आते हैं तो इनके लिए भी मेडिसिन है. सिट्रीन, नाइस जेल, इबिक्लीन, इबिसलीन एंड नोविगैन, ये सारे उनके ब्रांड्स है. बिजनेस इन न्यूज, द कंपनी अनाउंस दैट इट एंटर्ड इनटू डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद वॉकहार्ट लिमिटेड टू अक्वायर सिलेक्ट डिविजन्स ऑफ द ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस इन इंडिया एंड अ फ्यू अदर इंटरनेशनल टेरिटरीज ऑफ नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1850 करोड़. सो गाइस वॉकहार्ट लिमिटेड, ऐसे सुना है कि कभी वॉकहार्ट सुने? उनके साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है. इन 2014 डॉक्टर रेड्डीज लैब वॉज लिस्टेड अमंग द फर्स्ट 1200 ऑफ इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2014. डॉक्टर रेड्डीज लैब इनिशिएटेड अ वॉलंटरी नेशन वाइड रिकॉल ऑन 1st October 2019 ऑफ ऑल ऑफ इट्स रैनिटिडाइन मेडिकेशन सोल्ड इन यूएस ड्यू टू कंफर्म कंटामिनेशन ऑफ नाइट्रोसोडिमेथिलमाइन NDMA अबव लेवल्स एस्टैब्लिश्ड बाय USFDA. USFDA बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले. यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके मेडिसिन में ये सारी चीजें ज्यादा है, तो उन्होंने क्या करवा दिया, उन्होंने रिकॉल करवा दिया. यूएस वालों ने कहा कि आपके मेडिसिन में ये प्रॉब्लम है, तो इंडिया में उन्होंने सारी मेडिसिन क्या करवाई, रिकॉल करवाई. अरे भाई साहब, जो मेडिसिन बिक चुकी है उनको रिकॉल कैसे करवाओगे आप, समझ रहे हो? क्या नुकसान हो जाएगा बोलो? लेकिन पैसों की चिंता नहीं करी रेड्डीज ने, बुलवा लिए. नाउ डॉक्टर रेड्डीज लैब लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू अक्वायर पोर्टफोलियो 42 अप्रूव्ड नॉन मार्केटेड abbreviated new drug applications in the US. The value of total addressable market for these products in US is approximately $645 million for the calendar year ending in December 2018. So guys, US में अपने drugs approve कर रहा है, क्या अच्छी company होगी, क्या कहते हो? Yes, has to be guys, has to be. और उन्होंने कहा है कि यार ये ना एक Forbes का magazine आता है यार, देखो तो Forbes का magazine के बारे में क्या लिखा है. Hope you are observing the rankings of global magazines like Forbes. है क्या ऐसे कुछ लिखा नीचे, देखो? हाँ,
and that we have mentioned in the news column. This shows that how well a company ranks on the global level. Forbes list issues an annual list of 2000 world's largest public corporation. तो क्या हमने जो भी rankings देखी अब तक, जो भी हमने rankings देखी अब तक, क्या वो Forbes की list में first 2000 में आ रहे? बताओ. क्योंकि largest public corporation में, largest public corporation में 2000 का ही list बता रहे हैं. Moving ahead after Dr. Reddy's, we are moving ahead with a new company. कौन सी कंपनी है? मुझे तो नहीं समझ नहीं आ रहा. कौन सी? Flipkart. आपके नोट्स में क्या है बताओ? Flipkart. ठीक है, आप मॉड्यूल से पढ़ रहे होंगे ना? Yes. चलो HDFC कर लेते हैं, फिर Flipkart कर लेंगे. So, HDFC क्या बैंक है? ऑफकोर्स लिखा हुआ, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. सो अगर हम लोग HDFC की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन ईयर 1994, ओनरशिप ग्रुप HDFC ग्रुप, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, चेयरमैन दीपक पारिक, प्रेजेंट हेड शशिधर जगदीशन. सो गाइस, दीपक पारिक जी इज द चेयरमैन एंड प्रेजेंट हेड एमडी इज शशिधर जगदीशन, सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन. In 1994, HDFC was incorporated with a registered office in Mumbai, India. Its first corporate office and full-service branch at Sandoz House, Worli, was inaugurated by the then Union Finance Minister Manmohan Singh. So, guys, अगर हम लोग थोड़ी history देखें, तो इस company को inaugurate किन्होंने किया था? Doctor Manmohan Singh जी ने ही inaugurate किया था. So, guys, yes. ये डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी हुआ था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे. 1990 एक्सिस बैंक कब कब ऑपरेशन हुई थी और कब बनी थी कुछ याद आ रहा है आपको? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कुछ आपको 1992 के बाद ही नजर आएगा, करेक्ट? आईसीआईसीआई मैंने ना आईसीआईसीआई पे थोड़ा देख लेते हैं. आईसीआईसीआई जी हाँ, ये देखो 1994, ये तीनों प्राइवेट बैंक्स एलपीजी के बाद ही निकली है बाहर. ओके, सो यस गाइस, कौन है चेयरमैन? कौन है? दीपक पारेख जी ना. देखो दीपक पारेख जी को देख लिया, देख लिया. yes, अब क्या दीपक पारेख जी यहां नजर आया? देखो तो आ रहे नजर. यस करेक्ट, देयर यू गो गाइस. मैं सच्ची बता रहा हूं, इस चैप्टर का इतने डेप्थ में पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ये वादा है मेरा, समझ रहे हो? सो द बैंक इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू रिसीव एन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बैंक इन प्राइवेट सेक्टर. पहले ऐसा अलाउड ही नहीं था, लेकिन एचडीएफसी बैंक को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैंक आरबीआई ने जिनको अप्रूव किया था कि आप ऐसा बैंक बना सकते हो. एक कौन सी बैंक है यार जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर बनाई थी? Axis Bank, there you go, perfect. So, HDFC Bank is an Indian bank and financial service company. The bank's distribution network is run through 4715 branches, 12,260 ATMs across 2657 cities. HDFC is a market leader in e-commerce. It provides a series of digital offerings like what? Like what? 10 second personal loan. 10 second mein aapko personal loan mil jayega. 10 second. दूसरा चिल्लर, चिल्लर नाम का उन्होंने ऐप बनाया था. पेजैप, पेजैप ये भी उनका एक ऐप है. एसएमई बैंकिंग, व्हाट इज एसएमई बैंकिंग रे? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैंकिंग. हाँ ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एप्पल वॉच, वॉच बैंकिंग भी लाया इन्होंने. तो गाइज वॉच बैंकिंग, देन 30 मिनट्स ऑटो लोन, 15 मिनट्स टू व्हीलर लोन, ई पेमेंट गेटवेज. ऐसा कभी पे किया? कार्ड का देख देख के ऐसा डाल डाल के किया? वो गेटवे के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं. एंड डिजिटल वॉलेट एटसेट्रा. एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ यू नो डिजिटल वॉलेट, वी नो दिस. एचडीएफसी बैंक दे प्रोवाइड व्हाट? दे प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड्स होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, ऑटो कार लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड 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 क्या ये? व्हाट इज दिस? डेबिट कार्ड. कौन सा बैंक का नजर आ रहा है? देखो तो
HDFC Bank. इंडिया में अगर क्रेडिट कार्ड को किसी ने अगर बहुत ज्यादा लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, पॉपुलर करवाया, तो ये कौन सी बैंक है? HDFC Bank. तो ये है HDFC Bank, क्रेडिट कार्ड का पायनियर है. जो मैंने आपको कार्ड दिखाया सेम कार्ड है ये. ओके, सो गाइस मूविंग अहेड, इनका फिलोसफी देख लेते हैं. द ऑब्जेक्टिव मिशन क्या है? टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, इनका मिशन है. द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड एंड बिल्ड साउंड कस्टमर फ्रेंचाइज अक्रॉस द डिस्टिंक्ट बिजनेस सो एज टू बी अ प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स एंड टू अचीव हेल्थी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बिजनेसेस रिस्क एपेटाइट. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एपेटाइट? कितना रिस्क आप ले सकते, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना लोन दे देना चाहिए कि किसी कस्टमर को? नहीं, वो रिस्क उतनी ले ही नहीं सकता. तो आप उसे उतना स्ट्रेस मत दो, वो रिपे नहीं कर पाएगा तो आपके जो लोन्स है वो बैड लोन्स हो जाएंगे, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स हो जाएंगे वो. सो मत करो, आप रिस्क एपेटाइट चेक करो, तो उसकी रिस्क की कितनी लेवल है चेक करो. HDFC बैंक प्रिंसिपल फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन 5 core areas: ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कस्टमर फोकस. यार इसके पहले सर आप कस्टमर कुछ और बोलते थे, वर्ड क्या था? सेंट्रिसिटी. सो कस्टमर फोकस, सेंट्रिसिटी एक ही बात है, एक ही बात है. देन प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी. पोर्टफोलियो देखेंगे अगर, तो यह उनका पोर्टफोलियो देखिए. HDFC ग्रुप कंपनीज आर HDFC लिमिटेड, HDFC सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, रियल्टी, लाइफ, अर्गो, पेंशन एंड HDB फाइनेंशियल सर्विसेज. इतने सारे बिजनेसेस है HDFC के. बिजनेस इन न्यूज, HDFC बैंक रैंक 116 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021. क्या अच्छी रैंकिंग दिख रही है अभी, बोलो? Yes. पहली बार इज्जत वाली रैंकिंग, करेक्ट? अच्छा, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट में क्या रैंकिंग है? 77. ये ना बात, अब मजा आ रहा है थोड़ा. क्यों? इसके पहले रैंकिंग कैसी होती थी हमारी? 1300, 1600, करेक्ट? रैंक बताने में भी शर्म आ रही थी हमको. देन HDFC बैंक हैज बीन एडजस्ट इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस 2019 फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर. HDFC बैंक हैज वन टॉप ऑनर्स एट NASSCOM DSC एक्सलेंस अवार्ड 2019. HDFC बैंक वॉज एडजस्ट बेस्ट MSME बैंक एट द सेकेंड SIDBI ET इंडिया MSE अवार्ड्स. MSE क्या होता है? मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. द बैंक हैज स्ट्रॉन्ग MSME पोर्टफोलियो. MSME क्या होता है फिर? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ एडवांसेस टू दिस सेगमेंट स्टैंडिंग एट ओवर 12.125 lakh crore एज ऑन 31st March 2019. तो अगर हम लोग देखें तो MSME छोटे बिजनेसेस को कितने लोन्स दे चुके हैं? 1.25 lakh crore. ये छोटे बिजनेसेस को तो लोन की जरूरत है, क्या कहते हो? बड़े लोन लेने वाले विजय माल्या तो भाग जाते हैं. ये छोटे बिजनेस होते हैं जो इंडिया के लिए क्या करते हैं? कमाल करते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट HDFC. थैंकफुली बहुत अच्छी रैंकिंग्स मिली हमें. तो हमने वो जो एरा था जहां पे इंडियन बैंकिंग सेक्टर चेंज होना स्टार्ट हुआ वो हमने देखी. तो सबसे पहली बैंक जो चेंज एरा की थी वो तो एक्सिस बैंक, सेकेंड HDFC बैंक, करेक्ट? तीसरी कौन सी थी उसी एरा की बैंक? ICICI का फुल फॉर्म बता सकते हो? परफेक्ट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो लेट्स चेक इट आउट. ICICI बैंक इनकॉर्पोरेशन 1994. ओनरशिप ग्रुप इज ICICI ग्रुप, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, प्रेजेंटेड MD एंड CEO संदीप बख्शी एंड CFO मिस्टर राकेश झा. सो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इज द चेयरमैन, संदीप बख्शी जी इज द प्रेजेंट हेड MD एंड CEO. कंपनी इंट्रो, ICICI बैंक इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी. ICICI बैंक करंटली हैज अ नेटवर्क ऑफ कितना ब्रांचेस, कितनी ब्रांच है? 4,867 ब्रांचेस एंड 14,367 ATMs अक्रॉस इंडिया. द बैंक हैज ब्रांचेस यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, बहरेन, हांगकांग, श्रीलंका, कतार, ओमान, दुबई, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर. कल भी आया था ये दुबई IFC, याद है आपको?
DIFC, ये वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, एंड बहरीन, हांगकांग, श्रीलंका, कतार, ओमान, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन यूएई, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया. द कंपनीज यूके सब्सिडरी हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ब्रांचेस इन बेल्जियम एंड जर्मनी. सो गाइस, इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल आउटसाइड इंडिया एज वेल. फिलोसॉफी, टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया एंड मेजर ग्लोबल बैंक. मिशन क्या है इनका? मिशन है टू बी अ बैंकर ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर आर कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक्सपांड द फ्रंटियर्स ऑफ बिजनेस ग्लोबली, प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन फुल रियलाइजेशन ऑफ इंडियाज पोटेंशियल. इंडिया में काफी पोटेंशियल है, करेक्ट? व्हाट से? इंडिया में काफी पोटेंशियल है, लेकिन हर चीज पता आके रुक जाती है कहां? पैसे नहीं है, करेक्ट? पैसे नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में. तो गाइस, ये पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए फंड्स की जरूरत है. आईसीआईसीआई कहते हैं हम देंगे, हम इंडिया का बेस्ट पोटेंशियल पूरा यूज करेंगे. एंड मेंटेन अ हेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड डाइवर्सिफाई आवर अर्निंग्स अक्रॉस बिजनेस, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस एंड एथिक्स, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू वेरियस कंट्रीज एंड मार्केट्स इन विच यू ऑपरेट, एंड क्रिएट वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स. तो मेजरली यही होता है सबका, कि हम लोगों को वैल्यू क्रिएट करनी है. इनके बिजनेसेस देख लो, ये सारे बिजनेसेस है. आईसीआईसीआई Prudential Life Insurance Company, ICICI Securities, ICICI Lombard General Insurance Company, Prudential AMC, ICICI Venture, ICICI Direct, ICICI Foundation and Disha Financial Counseling. ICICI Bank is also banking subsidiaries in UK and Canada. So guys, ये सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ें इन्होंने start करी है. और segments कौन सी है? Funds और investment में mutual fund, deposit, portfolio management services. यानी आपकी काफी बार बैंक्स भी आपको शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद के देती है, करेक्ट? एफडी बनाना तो मेन धंधा होता है बैंक का, करेक्ट? डिपॉजिट, लेकिन डिपॉजिट से एफडी बनाओगे तो 4-5% 6% ब्याज मिलेगा. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज में 10-15% यानी शेयर मार्केट में पैसे घुस भी सकते हैं. और म्यूचुअल फंड तो सही है, तुमको तो पता ही है. बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग अकाउंट, होम लोन, फैमिली वेल्थ अकाउंट, कार लोन, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट. इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक डायमंड क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक सफायर क्रेडिट कार्ड, जेट एयरवेज, आईसीआईसीआई बैंक सफायर क्रेडिट कार्ड, ये सारे भी क्रेडिट कार्ड इन्होंने प्रोवाइड किया. बैंकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, लॉकर्स, आई वेल्थ, आई मोबाइल, स्मार्ट वॉल्ट, ई लॉकर, आई ट्रैक, वीडियो बैंकिंग ऐप एंड प्रेफर्ड टाइम डिलीवरी. एंड बिजनेस बैंकिंग, करंट अकाउंट, ट्रेड सर्विसेज, बिजनेस लोन, बिजनेस इंश्योरेंस, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज. यानी आईसीआईसीआई बैंक आपके घर पे भी कैश लाके दे सकती है अगर आप डिमांड करो तो, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का अकाउंट है आपके पास. बिजनेस एंड न्यूज देख लेते हैं. आईसीआईसीआई बैंक रैंक कितना? 182nd. क्या अच्छा लग रहा है? किसकी रैंकिंग बेटर है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी? कितनी रैंकिंग थी, क्या रैंकिंग थी बोलो? 116th रैंकिंग थी. और हमारी कितनी है? आईसीआईसीआई 82nd, लेकिन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज में इनकी रैंकिंग बेटर है. आईसीआईसीआई बैंक रैंक 65th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2021. आईसीआईसीआई फाउंडेशन वॉज अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड. ठीक है, यू नो अगेन सोशल वर्क करते रहना पड़ता है जब आप करोड़ों रुपए कमाते हो. ICICI Bank cross milestone of issuing 2 million fastag. Fastag सुने? Yes. 2 million fastag issue कर दिए थे. And fastag highest in India by October 31st, 2019. ICICI Rural Self-Employment Training Institute, which provides free cost vocational training to less privileged youth, inaugurated a new building in Jodhpur. The building has been awarded net zero energy platinum rating by Indian Green Building Council, making it the first building in the country to get कोवेटेड सर्टिफिकेट. यानी इस बिल्डिंग में आपको आपको बिजली लगती नहीं है, जबकि बिजली क्या कर देते हैं लोग, जनरेट करके देते हैं. आपने देखा होगा काफी अपार्टमेंट्स में, बंगलोज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में ऊपर ऐसी प्लेट्स रखी होती है, देखा आपने? सोलार कहते हैं उसको, सोलार. तो ऐसे ही अपार्टमेंट, ऐसे ही बिल्डिंग होगा ये, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जितना कंजम्पशन है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होती है. तो उन्होंने बनाई हुई नेट जीरो एनर्जी प्लैटिनम रेटिंग मिला उसको.
ICICI launched InstaBiz, India's first mobile comprehensive digital banking platform for MSME, micro, small, medium enterprises in July 2019. So that was all about ICICI Bank and what all we did. क्या-क्या हमने आज? We did ICICI Bank, we did Cipla, we did Bharat Petroleum और Coal India Limited and we did HDFC. Okay, so guys, हम लोग हमारे notes के sequence से जा रहे हैं. आप institute का module भी पढ़ रहे हो तो भी आपको वही मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर आपके institute की module old है तो मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे Instagram पे DM करो, मैं आपको लेटेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नॉट टू वरी. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एज फार एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न. काफी सारी कंपनीज का ओवरव्यू लिया है आज भी. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय.